तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और नए प्रैक्टिकल क्लास की, जो होगी आपकी M1R5 की। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है और ये जो क्वेश्चंस होगा आपका 25 या 30 नंबर में पूछा जा सकता है। बेसिकली 25 नंबर में ये आपका पूछा गया है 2022 के एग्जामिनेशन पेपर में, और हो सकता है कि आपको 2023 जुलाई में भी देखने को मिल जाए। तो आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर का। तो किस प्रकार का क्वेश्चन है मैं आपको अवगत करा देता हूँ, और आपको अगर प्रैक्टिकल संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, क्लास नहीं मिल रही है, तो कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। आपको सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है या कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन आपके लिए यहाँ पे ओ लेवल प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे बना दी गई है, और M1, M2, M3, M4 सभी PDFs यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें कि कंप्लीट सोल्यूशन आपका किया गया है। तो आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, इन लिब्रे ऑफिस में आपको क्रिएट करना है, इन लिब्रे ऑफिस यूज़ मेल मर्ज फीचर टू क्रिएट इन्विटेशन लेटर फॉर अ रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग टू ऑल दी एम्प्लॉय इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है, या फिर इसको लैंग्वेज अगर हम चेंज करें तो इन्विटेशन लेटर आपको लिखना है बेसिकली मेल मर्ज के थ्रू। यानी मेल मर्ज बेसिकली होता क्या है, एक साथ आप कई लोगों को अगर इन्विटेशन भेजना चाहते हैं, एक बार में 50 लोगों को, 100 लोगों को, तो आपको बार बार लेटर जो है वो टाइप करना नहीं पड़ता है। आप एक साथ ही सभी को ईमेल या मेल कर सकते हैं, वही इन्विटेशन लेटर प्रिंट करके भी आप उसको स्पीड पोस्ट या फिर मेल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं, जिस कारण से इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके, जैसे कि मैरिज का इनविटेशन कार्ड हो सकता है, वेडिंग का हो सकता है, ठीक है, आपका एनिवर्सरी का हो सकता है, बर्थडे का हो सकता है, या किसी भी प्रकार का आप इनविटेशन जो यहाँ पे दे सकते हैं, या किसी जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कोई एक आप कंपनी है आपकी, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिपब्लिक डे के लिए आपका फ्लैग हो, आपका जो होस्टिंग होनी है उसके लिए यहाँ पे बुलाया जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँगा, और इसमें देखिए क्या क्या करना है आपको वो समझना ज़रूरी है, और 25 नंबर का कैसे इसको डेमोस्ट्रेशन करते हैं और कैसे इसको कॉपी में लिखते हैं वो आपको समझना ज़रूरी है। अब इसमें देखिए तीन पॉइंट भी दिए गए हैं, जैसे कि क्रिएट करना है योर ऑन एड्रेस लिस्ट। सबसे पहले तो आपको एक एड्रेस लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि आपके एम्प्लॉय की हो सकती है, या फिर आप अगर फ्रेंड को इनविटेशन भेजें तो आपके फ्रेंड की लिस्ट हो सकती है, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को भेजा तो उनकी लिस्ट हो सकती है। ठीक है, तो विच विल कंटेन फर्स्ट नेम उसमें रहेगा, लास्ट नेम रहेगा, उसके बाद डिजाइनेशन होगा और डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद बी में बोला जा रहा है कंटेंट ऑफ द मेन बॉडी जो आपकी होगी ईमेल शुड बी डिस्क्राइब, आपको करना है टाइम एंड डेट के साथ, और उसमें आपको वेन्यू देना है कि कहाँ पे आपका ये होना है। ठीक है, टाइम एंड डेट और वेन्यू आपको देना है, ऑल द डॉक्यूमेंट जो भी नीड आपको थ्रू ईमेल के माध्यम से इसको सेंड भी करना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, तो एक ये क्वेश्चन बनता है, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिंपल सा हमको ये समझना है कि मेल मर्ज किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से सेंड करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, उसको आज हम देखेंगे, जो कि 25 या 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसको सिंपल सा ओपन हम कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक आपके लिए लेटर जो तैयार करके रखा है, यहाँ पे हमने लिख दिया इनविटेशन लेटर, और यहाँ पे लिख दिया टू, और यहाँ पे नीचे कर दिया डियर सर ऑब्लिक मैडम। ठीक है, और एक ये बेसिकली वेडिंग एनिवर्सरी का एक लेटर है, कुछ इस प्रकार से हमने टाइप किया है। ठीक है, तो आप इसको भी टाइप कर सकते हैं, टाइम मैंने आपका बचा दिया, टाइप नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो लेटर वहाँ पे टाइप करना पड़ सकता है, ये एक एग्जांपल लेटर है, आपको लेटर वही टाइप करना है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे फ्लैग इनविटेशन है, तो आप फ्लैग इनविटेशन का ही यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और नीचे ग्रीटिंग और नाम आप अपना लास्ट में दे सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने ये देखिए डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है 25 दिसंबर 2000, आप कुछ भी कर सकते हैं तारीख, जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, आज की तारीख डाल सकते हैं या कल की तारीख डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर कर दीजिए, मान लीजिए जुलाई। ठीक है, हमने जुलाई कर दिया, 15 जुलाई 2023 कर दिया मान लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो इतना आपको पहले करना है टाइप, ठीक है, टू के बाद, और यहाँ पे आपको ऐड करते जाना है जो भी आपके रिसिपिएंट होंगे, यानी कि जो आप लिस्ट क्रिएट करेंगे, एड्रेस लिस्ट क्रिएट करेंगे, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, एड्रेस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे जाके मेल मर्ज फीचर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लिब्रे ऑफिस कल्क का भी यूज़ करके वहाँ पर एड्रेस बुक को जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वो भी तरीका मैं आपको बता दूँगा। जैसे कि हम गए लिब्रे ऑफिस कल्क में,
तो यहाँ पे भी जो है आप एक पहले लिस्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं, नेम, एड्रेस, बाकी जो भी डिपार्टमेंट है उनका, ठीक है, ये सारे चीज़ें। और यहाँ पे आप जाके सेव एस कर सकते हैं ऐसे किस में, एड्रेस बुक में, ठीक है, या सिंपल सा आप एक्सेल फॉर्मेट में ही इसको स्प्रेडशीट फॉर्मेट में ही सेव कर देंगे तो भी ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सिंपल जो है आपको मेल मर्ज क्रिएट करना सिखाते हैं। तो देखिए मेल मर्ज यहाँ पे कहीं एक्टिवेट नहीं होता है, इसमें आपको जाना पड़ता है टूल्स में, और टूल्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है मेल मर्ज विजार्ड, ठीक है, तो ये एक्टिवेट आपको करना होता है इस प्रकार से। या फिर आप यहाँ पे भी मेन्यू इसका ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे व्यू में जाके और सेटिंग्स पे जाके बेसिकली इसको ऐड करना होता है, ठीक है, तो आप इसको ऐड भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं मेल मर्ज विजार्ड को ओपन करते हैं, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है यूज़ दी करेंट डॉक्यूमेंट। तो अभी जो हम इस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं ये आपका करेंट डॉक्यूमेंट है, हमको न्यू डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट करना है, हमको इसी डॉक्यूमेंट पे मेल मर्ज क्रिएट करना है। तो हम इसी पे सेलेक्ट रहने देंगे, अगर न्यू डॉक्यूमेंट कर देंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा, ठीक है, अभी हम इसी पर रहने देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद है अगर हमको ईमेल भेजना है तो ईमेल पे क्लिक करना है, लेटर भेजना है तो लेटर, हमको लेटर पे भी काम करना है तो लेके लेटर, ईमेल मैसेज करना है तो ईमेल पे आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है। तो ये वाले क्वेश्चन में जो आपसे बोला जा रहा है वो ईमेल वाला है, ठीक है, तो ईमेल वाले के लिए आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है, पहले लेटर का समझ लेते हैं। फिर हमने यहाँ से कर दिया नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको जो है एड्रेस सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट, अब आपको जो है यहाँ पे एड्रेस लिस्ट को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट जो आपका है उसको यहाँ पे बनाना है, ठीक है, इसको हम करेंगे सेलेक्ट। और यहाँ पे हमको लिस्ट करनी है क्रिएट कि आप लिस्ट में क्या क्या देना चाहते हैं, या तो बनी बनाई तो यहाँ पे आप जाके ऐड करके लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये एक्सेल पे आपको जो है बनानी पड़ेगी जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप बना करके और यहाँ से ऐड करा सकते हैं उस लिस्ट को, ठीक है। अभी हमारे पास बनी नहीं है तो हम करेंगे क्रिएट पे। अब इसमें से जो जो हमको चाहिए डिटेल, जैसे कि अगर इसकी बात करें तो इसमें देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिसाइजनेशन और आपका आपका डिपार्टमेंट पूछा गया है, ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। फिलहाल इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल, तो हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे और सभी को डिलीट कर देंगे, तो हम टाइटल को डिलीट कर देंगे, ठीक है, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम रहने देते हैं, कंपनी नेम हटा देते हैं, एड्रेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप हटा सकते हैं। अब हमको चाहिए क्या क्या, जैसे कि इसी के अनुसार है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, तो ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे आप डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट आपने लिख दिया। उसके बाद है आपका यहाँ पे बोला जा रहा है, इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और ऐड करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो पहले जो बोला गया उसको पहले कर लीजिए, ये लास्ट में है तो इसको हम पहले कर लेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इतनी चीज़ हमसे बोला गया है, फिर हम बाद में कर देंगे यहाँ पे ओके। तो देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका डिपार्टमेंट और ये चारों ऑप्शन ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप जो है नाम ऐड करा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इस प्रकार से लिखना, इनका मान लीजिए आप एचआर हैं ये, ठीक है, डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट है, इनकी जो पोस्टिंग है आप कुछ भी डाल सकते हैं, एचआर ही डाल सकते हैं या आईटी डिपार्टमेंट डाल सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये आपने कर दिया। उसके बाद न्यू करेंगे, एक आपका डेटा ऐड हो गया, ठीक है, उसके बाद हम मान लीजिए यहाँ पे और नाम डाल देते हैं, रंजीत सिंह, और ये आप डाल सकते हैं क्लर्क हैं मान लीजिए आपके सीएस डिपार्टमेंट के, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि विमल शर्मा, ठीक है, और इसमें भी आप डाल सकते हैं मान लीजिए एचआर हैं ये, किस डिपार्टमेंट के हैं मान लीजिए ECS डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, हम तीन चार नाम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं सिर्फ आपको एग्जांपल पे तौर पे समझाने के लिए। उसके बाद है जैसे कि इस प्रकार से डाल सकते हैं कोमल वर्मा, ठीक है, और ये इनका जो पोस्ट है आप डाल सकते हैं कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि हेड आप डाल सकते हैं या हेड ना डाल के आप डायरेक्टर डाल सकते हैं या MD डाल सकते हैं इस प्रकार से, मैंने डायरेक्टर MD मान लीजिए हम डाल दिया, और ये भी CSE डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो इतने आपने चार नाम यहाँ पे डाल के ओके कर दिया।
फिर इसके आप इसको जो लिस्ट जो है इसको आपको करना है सेव, तो हम सेव कर देते हैं इसको किसी नाम से, मान लीजिए हम ऑर्गेनाइजेशन नेशन नाम से हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो आपकी देखो ऑर्गेनाइजेशन नाम से लिस्ट जो है सेव हो गई, ओके कर दिया। अब आपको जो है यहाँ पे डेटा को मैच कराना है, ठीक है। तो इसको मैच कराने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर आप इससे ज़्यादा डेटा मैच कराना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग है, बाकी हमको जो है एडिट करना है। तो हमको जो है सिर्फ चार ही चीज़ लेनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हम किसी भी एक को ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने इसको लिया और इसको एडिट कर दिया, तो कंपनी नेम हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंपनी नेम जो है इसको हम हटा देंगे यहाँ से, और फर्स्ट नेम हमको चाहिए तो इसको ऊपर कर लेते हैं, लास्ट नेम चाहिए, एड्रेस की जगह जो हमको चाहिए वो हमारा चाहिए डिसाइजनेशन और आपका फिर डिपार्टमेंट, तो इसकी जगह हम इसको जो है रख लेंगे। और जिप हमको नहीं चाहिए तो जिप को भी हम हटा देंगे और रखेंगे सिटी, इतना चीज़ें ओके कर देंगे। और ये वाला हमने देखिए सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे न्यू, और देखिए रीनेम करने का बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है, तो इसको हम लोग इसी प्रकार से रहने देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाम आ गया है, और अभी बाकी चीज़ें जो है वो आपकी मेंशन यानी कि आपकी जो है मैच नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए अभी हम ये वाले पहले सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। और उसके बाद जो है तो इतना करने के बाद देखिए हमने ये वाले पे टिक कर दिया, और हमारा देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन अभी एड्रेस लाइन और सिटी में हमारा जो है डेटा मैच नहीं कर रहा। तो हम क्लिक करेंगे मैच फील्ड में, और इसके बाद हमारा था डिसाइनेशन और हमारा डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो हम किस पे आएंगे, तो नीचे आपको आना है, यहाँ पे हमने किसकी जगह इसको सेलेक्ट किया है वो आपको पहले समझना होगा, इस पे एड्रेस लाइन की जगह और सिटी की जगह, ठीक है। तो एड्रेस लाइन हमारा कहाँ पे है, नीचे आएंगे, एड्रेस लाइन ये है, और इसकी जगह हम करेंगे इसको डिसाइनेशन को, और हमारा था लास्ट में सिटी, तो हम जाएंगे नीचे सिटी पे और सिटी की जगह हम कर देंगे डिपार्टमेंट। अब ओके कर देंगे तो देखिए राजकुमार एचआर आईटी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद है आपसे पूछेगा अगर आपको डीयर वीयर कुछ ये कुछ लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप इसको इसी प्रकार से ब्लैंक छोड़ देंगे और इसको हम कर देंगे नेक्स्ट, या लगा भी सकते हैं या इसको नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, लगाना चाहे लगा सकते हैं, और कर देंगे नेक्स्ट। उसके बाद ये पूछेगा आपसे फ्रॉम टॉप से आपको कितना लेना है ऊपर नीचे, यहाँ से अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको कर देना है फिनिश, तो जैसे आप फिनिश करेंगे यहाँ पे देखिए आपका जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आपका डिजाइनेशन और जिप भी देखिए यहाँ पे ऐड होके आ रहा है। तो जिप तो बेसिकली हमने इसमें मेल मर फील्ड में ऐड किया नहीं था, ठीक है, तो जिप नहीं आना चाहिए आपका। तो देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुई है आपकी बेसिकली। तो चलिए पहले हम इतना करते हैं, उसके बाद अब आपको जो करना है इसको मेल मर फील्ड को करना है एडिट, ठीक है। इस पर हम सेलेक्ट करेंगे और हम आ जाएंगे सीधे, देखिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है ये वाला, ठीक है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो भी इंडिविजुअल होंगे वो आपके आ जाएंगे। देखिए इस प्रकार से ये जिप वाला ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसको हम लोग हटा देंगे बाद में। तो देखिए पहले पेज में हमारा आ जाएगा राजकुमार यहाँ पे, जो कि एचआर आईटी डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है। उसके बाद है नीचे अगर आ जाएंगे दूसरे पेज में, देखिए रंजीत सिंह क्लर्क हैं सीएच डिपार्टमेंट से, इनका लेटर पूरा आ जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद है हमारे पास विमल शर्मा जो कि एचआर डिपार्टमेंट से ईसीएस, इनका लेटर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए सारे लेटर इस प्रकार से अलग अलग जो है क्रिएट हो जाएंगे। अब आप सिंपली अगर आपको इसको प्रिंट प्रीव्यू करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसको भेजना है तो आप यहाँ से सिंपल सा इसको प्रिंट करके और प्रिंट करके ये सभी को जो लेटर है आप यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक साथ कई लोगों का डेटा, अगर आपको जो है बार बार इसको लिखना नहीं पड़ेगा, लेटर एडिट नहीं करना पड़ेगा, एक ही लेटर आप कई लोगों को जो है सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम डोंट सेव करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने उसको हटा दिया जिप वाले ऑप्शन को, अब यहाँ पे आपको सिर्फ चार ही चीज़ें शो हो रही होंगी, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आपका, इसको भी हम क्लोज करके आपको फिर से दिखा देते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से इसको आप नीचे कर लेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा।
तो चार ही चीज़ हमको देखी लेनी थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका डिजाइनेशन और आपका डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा सारा चीज़ें। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं जैसे भी आपको इसको प्रिंट कराना हो, ठीक है, या आगे देना, कहीं भी जिसको आप ऐड करा सकते हैं, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे बीच में रखना है, बीच में कहीं पे भी आप इसको रखना चाहते हैं, बेसिकली यहीं पे बेस्ट रहता है। और एडिट जैसे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और इसी को अगर आपको मेल भेजना है, जैसे कि आपका इसमें जो है मेल वाला फीचर आपका कहा गया था, तो पहला काम तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया, ये एड्रेस वाला कंटेंट मेन बॉडी में हमने ईमेल को भी डिस्क्राइब कर दिया, और यहाँ पे हमको क्या करना था, टाइम एंड डेट। तो इसी में आप अपना टाइम एंड डेट को भी ऐड कर सकते हैं, किस टाइम एंड डेट को आना है। तो इसी में आप ग्रीटिंग जैसे यहाँ पर लिखा है तो यहीं पर आप अपना इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज आप भेज रहे हैं तो आज की टाइम डेट डाल सकते हैं, या किसी और दिन पर अगर आपको बुलाना है, जैसे कि हमने यहाँ मेंशन कर दिया ऑलरेडी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर आपको आज का टाइम एंड डेट भी डालना है तो आप इंसर्ट फील्ड में जाके यहाँ पर फील्ड पर क्लिक करके अपना डेट वगैरह जो है मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी को आपको करना है मेल, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको सेंड ईमेल मैसेज, इस प्रकार से मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम चार ही चीज़ हमको लेनी है, ठीक है, और सब्जेक्ट में आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं क्या, इनविटेशन लेटर, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सेंड ईमेल पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नेम, ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, और आपको पोर्ट से देखिए कनेक्ट करना होता है अपने एसएमटीपी से, और उसके बाद फिर आप इसको इजीली जो है मेल कर सकते हैं। इंटरनेट इसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्ट होगा तो इजीली देखिए इस प्रकार से ये मैसेज जो है वो कनेक्ट हो जाएगा और मैसेज जो है चला जाएगा आपके ईमेल पे, देखिए शो भी करेगा। अब इसमें कोई एड्रेस ऐड नहीं है जिस कारण से इनवैलिड बता रहा है, तो इसको हम पॉज कर देते हैं। तो ये अब आपका जो है सर्वर चेक करेगा और सारे कनेक्शन चेक करेगा, उसके बाद ये जो है आपका सेंड कर देगा। तो इतना ही प्रोसीजर जो है स्टूडेंट आपको करना है, दो ही इसमें फीचर बेसिकली फीचर होते हैं, एक फीचर होता है आपको प्रिंट करने का, दूसरा होता है ईमेल करने का, ठीक है। और ये डेटाबेस सोर्स से अलग चीज़ है, तो बेसिकली दो ही पे आपके जो है इसके क्वेश्चन बनेंगे, तो इनमें से दो ही चीज़ आपको जो है तैयार करके जाना है, या तो ईमेल या फिर आपका लेटर। तो लेटर इस पर करता है आपका ट्राइड आपका बन जाता है, और इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये सारा लेटर आपको इस प्रकार से अलग अलग पेज पे आपका प्रिंट होके आ जाता है, ठीक है। फील्ड इसमें अपने अनुसार आप दे सकते हैं, जितनी सारी मोबाइल नंबर है आपका, पिन कोड है और सिटी है, तो ये सारी चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन पर जाके, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, 25 या 30 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। अब इसको लिखने का तरीका सिंपल सा है, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टेप वन में आना है, स्टेप वन में आप लिखना है क्लिक हियर टू स्टार्ट, आपने लिब्रे ऑफिस लाइटर को स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने इनविटेशन लेटर को बॉडी पे इसके यानी कि पेज पे आपने टाइप किया, वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर तीन में आपको लिखना है कि आपने इसमें आप गए कहाँ पे गए, टूल मेन्यू में गए और आपने ओपन किया मेल मर्ज विजार्ड, आप गए यहाँ पर लिख देंगे टूल मेन्यू पर गए और आपने ओपन किया मेल मर्ज विजार्ड। और उसके बाद फिर जब इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो ऑप्शन मिलता है कुछ इस प्रकार से, आपने सेलेक्ट किया यूज़ करेंट डॉक्यूमेंट को और आपने क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। स्टेप फोर में आपको ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करने के बाद आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया लेटर और ईमेल का, वो आपको स्टेप फाइव में लिखना है। इस प्रकार से पूरा लिखने के बाद लास्ट में आपको लिखना है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर आपने क्लिक किया और सारा लेटर को आपने प्रिंट कर लिया। तो इस प्रकार से जो है ये मेल मर्ज का क्वेश्चन आपका पूरा कॉपी में लिखा जाएगा और कंप्यूटर में करके दिखाया जाएगा। तो ऐसा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक से दो बार अलग अलग तरह के लेटर आप बना के चेक कर लें, जैसे कि एक तो ये मैंने आपको बता दिया और एक ये आप बना सकते हैं क्रिएट योर ओन एड्रेस लिस्ट, जैसे कि यहाँ पर आपसे बोला गया था रिपब्लिक डे है, ठीक है, या फिर आपका 15 अगस्त आ रहा है तो हो सकता है कि आपका इंडिपेंडेंस डे पर कोई लेटर आ सकता है, इस प्रकार से आप पे आपको बना के जाना है, ठीक है। तो आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी, और क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में तो आप इस नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।